Hello guys, welcome back to the channel Freak Face once again. Today we are going to start a new journey to Udaipur. I'm going to show you the city of Udaipur in my style. So be there with me till the end. Video pura dekh ke jana, bahut maza aane wala hai. As you have seen, bag hamara pack ho chuka hai. Abhi hum niklenge. So let's get started. Journey hamara start ho chuka hai. पता नहीं इस वाले एक्शन कैमरे में ऑडियो क्वालिटी कैसा होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने बोला था कि मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, यूज़ करने के बाद ही मुझे पता चलेगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस एक्शन कैमरा। वो माउंट वाला क्लिप मैंने थोड़ा ऊपर लगा दिया, वो थोड़ा नीचे होना चाहिए था, इसलिए जो फ्रंट का व्यू है वो परफेक्ट शायद नहीं होगा इस वाले ब्लॉग में। आगे वाले ब्लॉग में मैं ये ठीक करवा दूँगा। और अगर साउंड का कुछ प्रॉब्लम होता है इसमें, सो आई एम रियली वेरी सॉरी, आई फिक्स इट एज बिकॉज आई स्टिल डोंट हैव द माइक। आई हैव ऑर्डर्ड इट, कल जम के भीगा हूँ और आज सर्दी लग चुकी है। सो वेलकम करता हूँ मैं आप सबको रोड पर। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम। प्लेस इज़ ब्यूटिफुल जैसे कि आप देख रहे हो, और बहुत ही पुराना मॉन्यूमेंट है ये, इट्स नेशनल हेरिटेज। दिस इज़ द बैक साइड व्यू ऑफ इट। इसको हम बोलते हैं तीन मंदिर है। इसका हिस्ट्री पूरा मुझे भी नहीं पता है, फुल हिस्ट्री मुझे भी नहीं पता। और मैंने कुछ लोगों से पूछा कि हम अंदर जा सकते हैं कि नहीं इस मंदिर के अंदर, तो बोला कि नहीं, अलाउ नहीं करते मंदिर के अंदर, बस आप गार्डन के एरिया में आके आप खींच सकते हो। जैसे कि आप लोग देख रहे हो इस मॉन्यूमेंट को, इट्स ए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे नहीं लगता कि त्रिपुरा के हर एक लोगों को पता होगा इस मॉन्यूमेंट के बारे में। उदयपुर में जो रहते हैं या फिर अगरतला साइड में, उन लोगों को तो पता ही होगा, शायद सबको नहीं पता होगा इस मॉन्यूमेंट के बारे में, क्योंकि ये थोड़ा साइड में है। और दूसरी बात है कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो त्रिपुरा अगर विज़िट करने आए तो आप एक बार इस मॉन्यूमेंट को 100% देख के जाए। इट्स वेरी ब्यूटीफुल, द प्लेस इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। And one more thing, it's a request to each and every one, each and every visitors, whoever will come to this place, please don't make this place dirty. Government has kept it very neat and very clean, so please don't make it dirty and don't throw any kind of waste over here. Thank you.